सब्सक्राइब कीजिए रॉयल राजपूताना किचन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि लेटेस्ट रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस रेसिपी जिसका नाम है दाल ढोकली। दाल ढोकली रेसिपी बनाने के बाद आप दाल और रोटी तो खाना भूल ही जाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करने जा रहा हूँ। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं दाल ढोकली की रेसिपी बनाने। तो सबसे पहले मैंने ये ली है मूंग के मोगर वाली दाल और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ चने वाली दाल और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे छिलके वाली मूंग की दाल और हमें इसको पानी डाल के अच्छे से वाश करना है ताकि इसके अंदर जो पाउडर है वो बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड्स मैं भी इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स राजस्थान की फेमस रेसिपी इसी तरीके से बनती है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी दाल को हमने धो दिया है और हमने पानी इसका निकाल दिया है। अब हम इसको भिगोने के लिए पानी डाल रहे हैं। तो करीब 750 ml के लगभग मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। इसे हम 6 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से भीग जाए। तो फ्रेंड्स हमारी दाल अब भीग चुकी है, तो आप देख सकते हैं हमारी दाल फूल चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने रख दिया है एक कुकर और अब हम इसमें हमारी दाल ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनेगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगा करीब 750 ml के लगभग पानी। तो फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक। और फ्रेंड्स हमें इसको खुले में ही पकाना है, हम कुकर को बंद नहीं करेंगे। इससे हमारी दाल में जो दाल ढोकली का ट्रेडिशनल फ्लेवर जो होता है वो हमें आएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया ये लाजवाब रेसिपी बनेगी। तो मैंने इसको थोड़े समय के लिए ढक दिया है, तो हमारी दाल में उबाल आ गया है। और फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से ऐसे ही खुले में पका लेंगे। तो अब हम चलते हैं ढोकली बनाने। तो ढोकली बनाने के लिए मैंने लिया है करीब 2.5 कटोरी के लगभग आटा, यानी करीब 500 ग्राम के लगभग ये आटा है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा नमक, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ लाल मिर्च पाउडर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और देन इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये अजवाइन जिसको हम क्रश करके डालेंगे, बहुत ही शानदार इससे फ्लेवर आएगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा जीरा और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई हमारी हरी मिर्च और फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती और फिर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ये धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, इससे भी इसमें बहुत ही शानदार फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ये कलौंजी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ गरम मसाला। तो फ्रेंड्स अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन मसालों से ही इसमें हमारी दाल ढोकली का ट्रेडिशनल फ्लेवर आएगा और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनेगी। आप ये रेसिपी बनाओगे तो दाल और रोटी तो आप बनाना भूल ही जाओगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसका आटा लगा लेता हूँ, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे हमें इसका आटा लगा लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा आटा लग चुका है, मैं थोड़ा ऑयल ले रहा हूँ, ऑयल से हम इस आटे को अच्छे से मल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करते रहें। तो फ्रेंड्स मैंने आटे को मल लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हम दाल को देख लेते हैं। तो दाल हमारी गल चुकी है और दाल की थोड़ी थिकनेस गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें थोड़ा गर्म करके पानी डाल देंगे क्योंकि हमें ढोकली को भी इसमें पकाना है, तो हमें थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी वाली दाल रखनी है। तो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ ये गरम 1 कटोरी पहले मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ
और साथ ही मैं इसमें एक कटोरी पानी और ऐड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम इसको मिक्स कर देंगे और इसी प्रकार से हम इसको पकाना है। तो अब हम चलते हैं ढोकली बनाने। तो मैंने आटे को मल लिया है और मैंने आटे को पार्ट्स में काट लिया है। थोड़ा हम ऑयल लेंगे, थोड़ा आटे का हम ऑयल लगा लेंगे और फ्रेंड्स अब हम इसकी ढोकली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आटे को इक्वल साइज़ में तोड़ रहा हूँ। फ्रेंड्स आप आटे को बेलकर भी ढोकली बना सकते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल फ्लेवर हमारा फिर ढोकली में नहीं आता। जैसे हम शक्करपारे बनाते हैं वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ट्रेडिशनल फ्लेवर तो आपको इसी ढोकली में मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ढोकली बना लेंगे और अंगूठी की सहायता से इसमें होल कर देंगे ताकि हमारी ढोकली के अंदर दाल जो है अच्छे से अंदर तक जाए और ढोकली हमारी अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें सभी ढोकलियाँ बना लेनी हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सभी ढोकलियाँ बना ली हैं और बहुत ही बढ़िया हमारी ढोकलियाँ बनी हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इधर हमारी हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो हमारी दाल में उबाल आ रहा है और अब हम इसमें हमारी ढोकलियाँ ऐड कर देंगे। तो मैं अब इसमें अब ढोकलियाँ ऐड कर रहा हूँ और फ्रेंड्स हमें इसको ऐसे चलाते रहना है बीच बीच में ताकि हमारी ढोकलियाँ तले में चिपके ना। और ट्रेडिशनल वे में तो ढोकली ऐसे ही बनती है फ्रेंड्स। लास्ट में हम इसमें तड़का लगाएंगे और बहुत ही बढ़िया हमारी दाल ढोकली की रेसिपी बनने वाली है। और दाल और रोटी तो आप बनाना भूल ही जाओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी लगती है। तो फ्रेंड्स मैंने इसको थोड़े समय के लिए ढक दिया है और मैंने अब इसको वापस ढक्कन हटा दिया है और हमारी ढोकलियाँ फूल चुकी है। हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था तो बहुत ही बढ़िया हमारी ढोकलियाँ बन चुकी है। तो हमारी ढोकलियाँ पक चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हम दाल के लिए तड़का बनाने जा रहे हैं। तो मैंने रख दिया एक भगोनी और इसमें मैंने ऐड किया है रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और मैं भी इसमें ऐड करने जा रहा हूँ थोड़ा जीरा और साथ ही मैंने ऐड किया है हरी मिर्च जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। और मैं भी इसमें ऐड कर रहा हूँ ये अदरक जिसको मैंने कूट लिया अच्छे से। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया तड़के की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। और फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कुछ मसाले। तो मैंने ये लाल मिर्च पाउडर लिया है और फिर मैंने लिया ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर मैंने लिया राई और मैंने लिया हल्दी पाउडर और यह धनिया पाउडर। तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है। और फ्रेंड्स अब आप लुकिंग देखिएगा मसाले की, बहुत ही शानदार हमारा मसाला बनने जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ये हमारे फाइनली चॉप किए हुए प्याज। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें चाहे तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, मैं लहसुन इसमें नहीं डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला। अच्छे से इसको हमें मिला लेना है और थोड़ा हम इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे फाइनली चॉप किए हुए टमाटर। तो मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। थोड़े हमें इसको पका लेना है। और फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा हींग। अच्छी क्वालिटी का ये हींग है, बहुत ही शानदार हींग का फ्लेवर हमारी दाल ढोकली में आएगा। तो फ्रेंड्स अच्छे से इसको मिला लेना है। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप ये रेसिपी उनको ज़रूर बना कर दें, बहुत ही बढ़िया उनको ये रेसिपी लगेगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ करीब 200 ml के लगभग पानी। तो अब इसको हम ढक देंगे, ढक कर हम इसको पका लेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसको ढक्कन हटा दिया है और हमारे तड़के के लिए मसाला है उसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तड़का हमारा रेडी है। तो अब हम इसको हमारी दाल ढोकली के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने अब दाल ढोकली में हमारा मसाला ऐड किया है और बहुत ही बढ़िया हमारी दाल ढोकली में तड़का लग चुका है। शानदार और डिलीशियस एकदम ट्रेडिशनल वे में राजस्थान की फेमस रेसिपी
तैयार है। बहुत ही बढ़िया हमारी दाल ढोकली की रेसिपी बनी है। और फ्रेंड्स, ऐसी लाजवाब ये रेसिपी लगती है कि आप बार बार बनाकर इसको खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें ऐड किया है ये फाइनली चॉप किया हुआ धनिया। अच्छे से हमें इसको मिला लेना है। तो हमारी दाल ढोकली रेसिपी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूँ गरम मसाला और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे ढक्कन से। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा गरम मसाला का फ्लेवर हमारी दाल ढोकली में आ जाए। और फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म राजस्थान की फेमस रेसिपी दाल ढोकली तैयार है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही डिलीशियस खुशबू इसकी आ रही है। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ दिल से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।